में से अक्सर जो है ना वो स्टीफन आर कोवे के बताए हुए वो एक पॉइंट है उसके बारे में सोचते नहीं है। हम पहले समझें फिर समझाएं। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम अपनी बात ही समझाना चाह रहे होते हैं। जब उसकी बात सुन रहे होते हैं तो पता कितनी सुन रहे होते हैं कि यार मेरी बारी कब आएगी, इतनी सुन रहे होते हैं। अगर हम सामने वाले की बात को समझ लें मुस्बत तरीके से तो वो भी हमारी बात को समझ लेगा। अभी सात गुरु ने एक प्रोग्राम में सब लोगों से पूछा कि यार एक तरफ अगर एक बोरिंग आदमी हो और एक तरफ एक बहुत लाइवली आदमी हो, आप किसकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, किसकी कंपनी में जाना चाहेंगे? उन सब ने कहा सर लाइवली लाइवली। आप किसी कंपनी में जाना चाहेंगे? लाइवली आदमी की कंपनी में, खुश इखलाक आदमी की कंपनी में। सब ने कहा जी हम खुश इखलाक आदमी, लाइवली आदमी, पॉजिटिव आदमी की कंपनी में जाना चाहेंगे। तो उसने कहा कि जी ये ऐ मेरे हाथ जुड़े जाए। दूसरे भी यह कोई चाहते नहीं, तुम अपना बुस्या मुंह पैड़ा मिजाज वो कार चढ़ के आओ। जब आपने किसी के साथ बिजनेस करना है, जब आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपने जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको पहले देना है। जब आप उसको पॉजिटिविटी देते हैं, जब आप उसको सच देते हैं, जब आप उसको पेशेंस देते हैं, तो आपको जवाब में वही मिलता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन फोर्स। अगर आपने ये दुकान एक शोरूम बनाया जूतों का, इस शोरूम की कॉस्ट अगर मिसाल के तौर पर मैं दूँ 50 लाख रुपए है और उसमें एक जूता पड़ा हुआ उसकी कीमत शायद को 2000 रुपए। कस्टमर को उस जूते की कॉस्ट से मतलब है। 50 लाख रुपए का आपने शोरूम बनाया तो उससे उसको कोई इतना खास लेना देना नहीं है। तो B2C में ये चीजें इन्वॉल्व हैं। B2C में आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजों पे कर रहे हैं जिससे कस्टमर का डायरेक्ट लिंक यूजुअली नहीं है। उसके डेकोर से मुतासर होता है किसी हद तक, सारा कुछ होता है, लेकिन असल उसका जो है ना कोर प्रोडक्ट है वो जूता है। B2B में ये है ही नहीं। B2B में तो आप गए हैं एक कंपनी में जाकर कोटेशन दिए कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, उसने देखा। अब उस आपके पास 50 लाख का शोरूम नहीं भी है और आपकी प्रोडक्ट में जान है तो वो बिक जाएगी, मार्जिन कम होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा। पूरे पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जितने बिजनेस हैं उन सबका एक ही डायलमा है। दे आर कैश फ्लो हंग्री, दे आर कैश फ्लो डिप्राइव्ड, दे आर कैश फ्लो मिसमैनेज्ड। आपके ट्रेडर के पास कैश फ्लो है, जो मैन्युफैक्चरर एंड है उसके पास कैश फ्लो आमतौर पर नहीं है। कॉर्पोरेट्स को निकाल दें 10% को, जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री हैं जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके पास तो अपनी है, उनके पास तो डिस्ट्रीब्यूटर या मिडलमैन है ही नहीं सिरे से। बाकी पाकिस्तान में जितना लेबर इंसेंटिव इदारे हैं ना, उनके पास बेचारों के पास कैश फ्लो नहीं है। हमारे पास जो है ना वो जितने भी फैक्ट्रियां एंगेज हैं सारा कुछ है, उनके पास कैश फ्लो नहीं है। ट्रेडर के पास कैश है, वो कैश रख के बैठे और वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप इस हकीकत को समझें और इसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचें। बिजनेस के 2-3 ट्रेड्स जो है ना मैं आपको बता दूं। एक तो इन्होंने बताया, सबसे पहला मैं उसको स्ट्रांगली जो है ना एग्री करूंगा, सच के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता, कमिटमेंट के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता, सच्चाई के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। ये मुझे बहुत पुरानी अपने वालिद साहब की मिसाल याद है। मैं 8वीं क्लास में था तो किसी जगह जो है ना किसी कंपनी में डील हो रही थी, मेरे वालिद साहब रॉ मटेरियल का बिजनेस करते थे, प्लास्टिक दाने का, जो अमीन भाई का बिजनेस है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे वालिद साहब ने एक जवाब दिया कि जी मेरे पास सच है, मेरा सरमाया है वो सच है। अब आप बताएं मुझसे काम करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ये आप फलाने बंदे से मिल लें और मैं उसको फोन करता हूँ, हमारी बलोचिस्तान से जो है ना फलानी आइटम बनती है, वो आप जितनी कहेंगे हम आपको देंगे। एक क्रिस्टल बनता ना जी, पाकिस्तानी क्रिस्टल सबसे पहले बनना शुरू हुआ था, तो उसके एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना मेरे वालिद साहब भी थे, GBPS क्रिस्टल पाकिस्तान में पहली बार बनना शुरू हुआ था। तो बाज लोग जो है ना बड़े करोड़पति थे और उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, और मेरे वालिद साहब के पास बहुत ही कम सरमाया था और वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो सच के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता सर। दूसरा एक बड़ा मेन ट्रेड है जिस पे मेरा बिलीव है सर, तवक्कल के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आपके तर्ज़ो अतवार में तवक्कल नहीं है, अगर आप पॉजिटिव सोचते नहीं हैं, अगर आपको पॉजिटिव आउटपुट का अंदर से जो है ना यकीन भरोसा नहीं है, तो आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। हर बिजनेस में कुछ दिन के लिए ऐसा वक्त जरूर आता है, भाईजन भी जो है ना इस बात के गवाह होंगे या और जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, कि जब लगता है यार वो बाजी बेड़ा ही गर्क हो गया, तनख्वाह भी नहीं निकल रही है, किराया भी नहीं निकल रहा, बड़ा मुश्किल काम आ गया।
जो बंदा बड़ी बिजनेस एम्पायर छोटी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा है ना, वो उस वक्त मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको तो यार कोई गल नहीं, वो अपने टीम को, अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को बकअप करता हुआ मिलेगा, वो यार कोई गल नहीं की हो गया, अभी ये महीने डेढ़ की बात है, वो यार दो महीने की बात है, वो यार 15 दिन के अंदर काम सब ठीक हो जाएगा, और उसकी जो है पॉजिटिव सोच ही सारा काम जो है ना वो उसका अच्छा कर देती है, उसके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा इकट्ठा हो जाता है, उसके जो खुदा ना खासा गलत होने वाले काम है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आप सब ने शाह साहब से या किसी और अच्छे अच्छे जो है ना वो लेक्चरर से सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जैसा सोचते हैं वैसी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सर पॉजिटिव सोचना जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए की चीज है, जो बंदा मुस्बत सोच सकता है वही कल को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, विजनरी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एक चीज अब मैं और ऐड करना चाहूंगा, तीसरी चीज, जो बंदा लर्निंग माइंडसेट के साथ बिजनेस में आया ना वो कभी फेल नहीं हो सकता। सर मैं 6 अगस्त 1997 से लेके आज भी अगस्त या इतफाकन 31 अगस्त 2019 तक मैं इस फैसले से पहुंचा हूं, इतना कुछ सीख के कि मुझे सीखते ही रहना चाहिए। इस सारी जद्दोजहद में मुझे ये सीखने को मिला है कि हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। जो बंदा किताबें पढ़ रहा है, सीख रहा है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा है, वो कभी भी कहीं पे भी फंसेगा नहीं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज के सर्कल में रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव सोच के सर्कल में रहेगा, और उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वे आउट हमेशा मिलेगा, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज पहले मिलेंगी उसको। तो बुक्स पढ़ें जरूर, बिजनेस की बुक्स पढ़ें, जो जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनकी बुक पढ़ें। अच्छा मैंने अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, अमीन भाई और मैं सन 2000 में 2001 में लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे बड़ी खाक छानी हमने, अब हम BMW पे छान लेते हैं वो खाक, लेकिन उस वक्त हमने सड़कों पे छानी और मोटरसाइकिलों पे छानी। तो उस वक्त भी हम दोनों में एक चीज कॉमन थी, लर्निंग माइंडसेट, किताब पढ़ लेना, किसी ऑडियो लेक्चर्स को सुन लेना, किसी गुरु की कंपनी को बैठ के एंजॉय कर लेना। जो बंदा किताब पढ़ रहा है या जो इल्म से राबते में है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो अपनी जनरेशंस का भला करने वाला है, अपना नहीं अपनी जनरेशंस का भला करने वाला है, वो बिजनेस की ऐसी लेगेसी आगे ट्रांसफर करने वाला है जो उसकी जनरेशंस को फायदा देगी। एक चीज और है, हमें टीम बिल्डिंग के लिए चीजें सीखनी चाहिए। ये हमारे यहाँ जो है ना अक्सर बिजनेस जो कामयाब नहीं हो पाते उनकी एक बड़ी वजह यह होती है कि हम टीम मैनेजमेंट या टीम बिल्डिंग की सलाहियत से वाकिफ नहीं है। टीम मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग किसी भी बिजनेस को चलाने का कोर है बिल्कुल। जो बंदा अपनी टीम से काम नहीं ले सकता वो दुकानदारी से आगे नहीं जा सकता। तो ये भी एक बड़ा बड़ा जो है ना वो अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आपको पता है कि दुकानदारी में और तिजारत या बिजनेस में क्या फर्क है? दुकानदारी जो है ना वो छोटी या लिमिटेड सोच के साथ होती है कि भाई मैं खुद ही खोलूंगा। हमारे वो पुराने शेखों में ना बड़ा गलत एक मुहावरा था, आपको सुनाई देता हूँ, मुंडे नालों कुंडा चंगा। किसी को समझ आई? मुंडे नालों कुंडा चंगा। कि हमारे जो पुराने जो थे ना शेख, वो हड्डी वाले शेख होते थे, वो सुबह खुद ही दुकान खोलते थे और चाबी जो है ना वो अपने आजार बंद के साथ बांधी होती थी। वो आजार बंद के साथ चाबी खोल के, तो ऐसे ताला ऊपर पुराने पुराने ताले होते थे ऐसे, वो खोलते थे और फिर दुकानदारी स्टार्ट होती थी और रात को उनके साथ ही बंद होती थी। और कई तो ऐसे मैं शेखों को जानता हूँ जो कई जरूरी कामों के लिए भी कल से उठ के जाते नहीं थे कि यार ये पीछे से कुछ हो ना जाए। तो इस सोच का नाम है दुकानदारी। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो मैं कहता हूँ दुकानदारी जो है ना वो उससे निकले, बिजनेस की सोच में आए। बिजनेस की सोच में कैसे आएंगे, दुकानदारी से कैसे निकलेंगे? सबसे पहले तो विजन को ब्रॉड कर ले, फियर भी खत्म होगा। दूसरी चीज है आप डेलीगेशन करेंगे। डेलीगेशन का मतलब है टीम बनाना, अपने मुख्तलिफ जो टास्क हैं वो किसी के सुपुर्द करना। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ हम सिर्फ हौसला नहीं करते, मैंने कई ऐसे काम हैं जो 7 साल के बच्चे से भी करवा के देखे हैं, वो हमें लग रहा था कि नहीं कर सकेगा, लेकिन जब हम जिम्मेदारी डालते हैं तो वो कर ही जाता है।
मेरा बेटा अब तो वैसे हो गया 13 साल का, लेकिन मुझे ये तजर्बा 5-6 साल पहले 7 साल पहले हुआ था कि वो 7 साल का था और मैं कुछ काम उसके जिम्मे लगाता था तो लोग हंसते थे कि यार ये तुम इसको काम जिम्मे लगा के जा रहे हो, तो कहा यार मैं आदत डालूंगा तो इसको जिम्मेदारी लेने की आदत पड़ी जाएगी। और वो काम कर देता था, मोहल्ले में कुछ छोटे छोटे काम थे वो 7 साल की उम्र में भी कर लेता था। तो डेलीगेशन सर शुरू करें, डेलीगेशन जो है ना वो बड़ी जरूरी चीज़ है। और ये डेलीगेशन से ना मुझे एक चीज और याद आ गई, फोर डीज के बारे में किसी को पता है? टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा पुराना फार्मूला है, जाते जाते आपको जाना 2-3 मिनट में बता दो। अगर आपने अपने दिन का हिस्सा प्रोडक्टिव बनाना है ना तो ये 4 डीज को समझ लें, बड़ी आसान सी और बड़ी मशहूर बात है, मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह और इस पे जाना थोड़ा इंटरेस्ट जाना इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने अपने दिन के करने वाले काम जो है ना वो 4 तरीके से करने हैं। एक वो काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके जिम्मे एक एंटरप्रेन्योर के जिम्मे जितने काम है ना उनमें से कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर या हेड ही कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी नमाज कोई और नहीं पढ़ सकता, अपनी नमाज आप नहीं पढ़नी है, या कुछ ऐसे बिजनेस स्पेसिफिक काम है जो बिजनेस के हेड ने ही करने हैं, इनको हम कहेंगे डू, डी नंबर 1 डू, पहली फुर्सत पे करें। और वो जो ब्रायन ट्रेसी है ना वो कहता है ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, कैसे कहता है उस किताब का नाम है, किसको ब्रायन ट्रेसी की किताब का नाम बताओ? दूसर हमेशा सबसे मुश्किल काम दिन के शुरू में कर लें, सबसे पहले निपटा लें, ये इंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे अच्छा मशवरा है। दूसरा काम है सर डेलीगेट, इसका मतलब समझते हैं आप डेलीगेट का जी, अपनी टीम भी काम जिम्मे लगा दें। दूसरे नंबर पे जो भी एक एंटरप्रेन्योर्स के पास काम आते हैं वो अपनी टीम के जिम्मे लगाना शुरू करें आज से, ना सोचे कि यार ये भी मैं कर लूं वो भी मैं कर लूं, ये कर नहीं पाएगा यार इसमें तो यार ये तो इतना पढ़ा लिखा नहीं ये कैसे करेगा, यार इसके पास तो टाइम ही नहीं होता ये कैसे करेगा, यार इसके तो जो है ना बच्चे बड़े ज्यादा हैं तो ये कैसे जाएगा कैसे करके आएगा। सर आप उन पर जिम्मेदारी डालेंगे तो उनके अंदर की कुछ चीजें ग्रो करेगी, उनकी चीजों को ग्रो करने में हेल्प करें, वो उनके लिए फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है। डेलीगेट करना सीखे सर, डेलीगेट करना सीखने के लिए किताबें पढ़ें, वीडियो लॉग्स देखें, ऑडियो लेक्चर सुने। डेलीगेट करने की जिसके पास सलाहियत नहीं है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तीसरी बड़ी मजे की चीज है, उसमें आप सब हैरान होंगे कि उसका जो तीसरे डी का नाम है डिले। कहेंगे कि यार कौन सा एंटरप्रेन्योर जो अपना काम डिले करना चाहेगा, यार डिले कर दो। कुछ काम ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा वो इन लाइन नहीं है, उनको डिले करना फायदेमंद है। कुछ कामों को इकट्ठा डिले करें, अगर आपके का बिजली के बिल पानी के बिल फलाने बिल इकट्ठे आते हैं उनकी एक डेट रख लें, सबको मिला के एक दिन जमा करवा दिया। अब जरूरी नहीं है आज नाफिज नहीं होगी कि आज बिजली का बिल आया आज ही सारे काम छोड़ दे उसको जमा करा दिया जाए, उसको 3 दिन डिले कर दें, अगला टेलीफोन का बिल भी आ रहा है उसके साथ जमा करवाएं। इसी तरह की बहुत सारे काम है, ये मैंने सिर्फ एक मिसाल से समझाया। कुछ जगह पे कुछ कामों को जबरदस्ती डिले किया जा सकता है लॉन्गर रन के फायदे के लिए, इसमें आपका कॉन्शियस इन्वॉल्व है, जबरदस्ती काम डिले ना करें, ठीक है जरूरी कामों करें। अच्छा उसके बाद चौथा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है डिलीट, अपनी जिंदगी से कुछ काम डिलीट करें, अपना वजन कम करें, फालतू कामों को डिलीट करें। जो बंदा ये 4 डी के साथ अपना दिन गुजारेगा फिर मुझे बताएं कि कैसा प्रोडक्टिव दिन आया। टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहला ट्रेड बताऊं आपको, सबसे पहला ट्रेड है कि अपनी मिसाल खुद पेश करें उनके सामने, लीड बाय एग्जांपल, ये एक बड़ा अंग्रेज का कॉल है। इसके बगैर आप टीम नहीं बना सकते। आपकी टीम, मेरी टीम ने मुझे 15 रुपए शेयर किए प्रोडक्शन कॉस्ट में से, वो क्यों शेयर किए? इसलिए कि मैंने पहले मैंने इशार करके दिखाया उनको कि यार हम कीमत नहीं बढ़ा रहे, मैं अपना प्रॉफिट कट कर रहा हूं। मैंने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की,
अगर मैं खुद टाइम पे अपने काम अंजाम नहीं देता, मेरी मैं आप कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरी टीम भी करेगी? मैं खुद पंक्चुअल होऊंगा तो मेरी टीम भी पंक्चुअल होगी, मैं खुद ईमानदार हूं मेरी टीम भी ईमानदार होगी, मैं खुद आउटकम प्रोडक्टिव हूं मेरी टीम भी प्रोडक्टिव होगी। टीम के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल या मोटिवेशन वो टीम का बॉस है, टीम का लीडर है। तो टीम का लीडर भी अच्छा बने, टीम का मेंबर भी अच्छा बने। कभी कभी आपको लीडर होते हुए भी मेंबर वाला काम भी करना पड़ता है, वो भी करें, उनके साथ घुल मिल भी जाएं कभी कभी। अच्छा, इस बारे में जो है ना, वो बिल गेट्स कहता है कि आपका अपनी टीम के साथ फ्रेंडली होना और आपका अपनी टीम का फ्रेंड होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने फ्रेंडली होना है, फ्रेंड नहीं होना। उसकी सिंसेरिटी का लेवल चेक करें। कभी भी आप बंदे को हायर करते वक्त उसकी जो तजर्बा का जो है ना, वो पेशावराना सलाहियात को नंबर वन पे ना रखें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, अरे आखिर नहीं है। हमेशा टीम मेंबर को सिलेक्ट करते वक्त ये देखें कि वो कितना ईमानदार है, कितना दयानतदार है, कितना डाउन टू अर्थ है। सॉफ्ट स्किल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दें। मेरे पास एक साहब काम कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस का बड़ा कोर हिस्सा संभालते हैं, 19 साल से मेरे पास जो है जॉब पे हैं। इसको तालियां होनी चाहिए जी, वो गायबाना चल रहा है। तो हम यूजुअली जो है ना बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जब 5-7 साल में एक्सपीरियंस हो जाता है ना बंदा, तो उसको छुट्टी करा देते हैं। वो इतने राज जान जाता है, फिर वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे और वो उसके सामने सारा कुछ ग्रो हो रहा होता है। जब मैं महीने का 1 लाख कमाता था तो उसको कुछ सैलरी देता था, आज अगर मैं मिसाल के तौर पे 10 लाख कमाता हूँ तो मैं उसे कहूँ कि यार अब मैं तब भी तुझे उतनी सैलरी दूंगा, उसके सामने तो सारा कुछ आ जा रहा है, तो मैं क्यों ना उसको उसके हिस्से के मुताबिक दूँ, जबकि मेरा वैसे अंदर से मानना चाहिए कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूँ। जो उसका हक बनता है उससे क्यों ना उसको ज़्यादा दिया जाए, क्यों छोड़ के जाएगा? आपसे कोई छोड़ के स्विच क्यों करता है? थोड़े पैसों के लिए करेगा, और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादातर टीम मेंबर्स या जो है ना स्टाफ क्यों छोड़ के जाता है? ऐसा भाई बताएंगे मुझे, ऐसा भाई हमारी टीम में से जो है ना लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात है बॉस का एटीट्यूड। यस वर्किंग एनवायरनमेंट का दूसरे नंबर पे आ गया। आपने हमेशा अपनी टीम को चीज लीस्ट कंसर्न होता है पे का। अगर आप किसी को ख्याल से, मोहब्बत से, इन सब चीजों के जज्बे के साथ अपनी टीम में शामिल रखते हैं ना, वो कम पैसों पे भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा दें अपने बंदों को। अब आप जो है ना कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो है ना वर्किंग एनवायरनमेंट देख लें, सारे बंदे खुश हैं और शायद साहब की स्माइल वैसे भी। एक मेरे पास जो है ना कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है, मैंने नई बुखारी से सुनी थी, वो ये है कि आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो हमा वक्त अपना हक आपके हक में छोड़ने के लिए तैयार रहे। इस पे नहीं बुहाई के लिए तालियां। जो आपको आपके कोर से समझता हो, नहीं बुहारी ने तो बड़ा इसमें हार्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसने कहा वो आपका तब भी दोस्त हो जब आपकी कुल कायनात निचले धड़ पे पहना हुआ एक कपड़ा हो, वो तब भी आपका दोस्त हो तो वो आपका दोस्त है। ठीक है जी, तो जब आपकी टीम आपका दोस्त बन जाएगी ना, तो फिर आप उसे काम नहीं ले सकते। माजरत के साथ ये जो है ना थोड़ा सा शायद अनएथिकल हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, बात चीजें जो है ना वो। आप में से कई कितने बंदों ने 48 रूल्स ऑफ पावर पढ़ी है? पढ़ लें, लेकिन उसका गुनाह मेरे जिम्मे आएगा। पढ़ लें, सब पढ़ लें, 48 लॉज ऑफ पावर। पूरी दुनिया में पावर जो है ना उसके डायनामिक्स क्या हैं ये जरूर पढ़े, बड़ी प्यारी किताब है, लेकिन टोटली अनएथिकल है, पहले से बता रहा हूँ आपको। इसको आपने जो है ना जिंदगी में हर जगह अप्लाई नहीं करना, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारा जो माशरा है बड़ा जालिम है, पावर उसमें मनूवर ऐसे ही होती है। नंबर वन जो सबसे बड़ा ब्लंडर है ना, और वो ब्लंडर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। किसी को समझ में आया? आगे। कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर को होशियारी दिखाने की कोशिश ना करें। अच्छा, उस किताब में आपने जो किताब पढ़ी है वो रूल्स वाइज है या एक किताब का उसका वर्जन है जिसमें एक रूल है फिर उसमें एक तारीखी वाक्य है, फिर एक रूल है फिर एक तारीखी वाक्य है?
بہت چھوٹی سی ہے, میرے خیال 30-40 صفحوں کی کتاب ہے اگر صرف رولز رولز دیکھے تو. اس کا ایک ورژن ایسا ہے جس میں ہر رول کے بعد اس کا امپلیمنٹ ہوا ہوا ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں اس رول کے مطابق 16ویں صدی میں فلانے بادشاہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. وہ برا پڑا نا آپ نے. تو اس میں اس کے ساتھ دو واقعے ہیں نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ فرانس کا ایک بادشاہ تھا 16ویں صدی میں, اور وہ بادشاہ جو ہے نا بڑا اچھا تھا, اور اس کے پاس جو وزیر خارجہ تھا, وہ وزیر خارجہ جو ہے نا اس نے ایک دن بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نا ایک دعوت کا انتظام کیا کہ یار میرے فرانس میں اتنے تعلقات ہیں اور فرانس کے ارد گرد جتنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی میرے تعلقات ایسے ہی ہیں, کیونکہ میں بادشاہ کے ساتھ آتا جاتا ہوں اور خارجی امور میرے پاس ہیں. تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور بادشاہ کو بلا لیا. جب بادشاہ کو بلایا نا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تو سارے بندوں سے تعلقات ہیں. جس ملک کا بادشاہ آ رہا ہے وہ مجھے بھی ایسے ہی مل رہا ہے اور اس کو بھی ایسے ہی مل رہا ہے, اور کہیں کہیں اس کو محسوس ہوا کہ اس کے تو میرے سے بھی زیادہ تعلقات ہیں. اس کے تعلقات تو جارجیا, بوسنیا اور چیچنیا, ہرزگوینا سب جگہ پہ ہیں. اس نے کہا یار تو کمال کر دیا یار. اس نے اس کو بلا کے بڑی شاباش دی. اس نے کہا یار تم نے کیا پارٹی دی ہے, پورا جو نا ریجن آ گیا ہے, ہر ملک کا بادشاہ بھی آ گیا, ہر ملک کا وزیر خارجہ بھی آ گیا ہے, تم نے تو رونق لگا دی یار, کمال کر دیا جی. اس نے پارٹی میں ایک تقریر کی بادشاہ نے اور اس کو جو نا انعام و اکرام سے نوازا گیا, پارٹی ختم ہو گئی. اگلے دن کیا ہوا, دربار لگا, بادشاہ سلامت آئے, انہوں نے کہا جی بلاؤ جی وزیر خارجہ کو بلاؤ. انہوں نے وزیر خارجہ کو بلایا اور بلا ہے کہا توندے ہو جی انہوں اس کو جو ہے نا جیل میں ڈال دیں, اور جو ہے نا جو بدترین قیدی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کریں. تو اس کا جو ہے نا بعد میں پھر نیچے لکھا ہوا تھا کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. جب بھی آپ پاور گیم میں ہوں یار, یہ ساری باتیں جو ہے نا اچھی نہیں ہیں, لیکن ان سے بچیں, اور ان سے کہیں آپ مس یوز ہو رہے ہو تو ان سے بچیں. جو آپ سے طاقت میں زیادہ ہے اس کو کاٹنے کی بلا وجہ کوشش نہ کریں. اور وہ کتاب بھی پڑھ لیں 48 لاز آف پاور, تو اس کے اندر سے جو ہے جو جو چیزیں ملیں گی آپ کو وہ ضرور سنیں, وہ ضرور کریں. اچھا ہم اس سے پہلے کہیں کہیں کرنی پڑتی ہے سر, پاور گیم میں جب آپ اگر آ جائیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور میری گزارش ہے کہ جب تک آپ اخلاقیات, کمپیشن اور ان چیزوں کا ساتھ دیں گے نا تو خدا کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. ان سین جو ہے نا وہ آپ کو فیورز ملیں گی. بہت زیادہ جو ہے نا وہ مالی چیزوں کے چکر میں جو ہے نا, پیسہ سب کچھ نہیں ہے, میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دینا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے 19-20-21 سالوں میں بہت پیسے کمائے, بہت انجوائے کیا, بڑا لیئر لائف گزارا, اب بھی گزار رہا ہوں, شاید اللہ کرے گا تو آگے بھی گزارتا رہوں گا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے. سر میرا ایک دوست کہتا ہے یار جڑا بندہ پیسہ کما لینا نا وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے, پہلے نہیں کہہ رہا. تو سر جس بندے کے پاس جو چیز ہے اور اس کی آسانی ہے تو وہ اس کے بارے میں کمنٹ کر سکتا ہے. تو سر ایتھیکل رہیں, جتنا آپ معاشرے کو پے بیک کرنے کی سوچ رکھیں گے اللہ آپ کو کہاں کہاں سے دے دے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے نا جینرس رہیں. ایک بات بڑی پیاری شاہ صاحب نے کہی تھی, مجھے دل کو لگ گئی یار, یہ بڑی پرانی بات ہے 4-5 سال, کہ تھوڑا سا دل اور جیب کو کھلا کر لینا تو زندگی کے کئی کام آسان ہو جاتے ہیں اور کئی مشکلیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے جھگڑے کم ہوتے ہیں زیادہ, کسی نہ کسی جو ہے نا ایموشنل وجہ سے دل کھلا کر لیں, اس کو معاف کر دیں, یا جو ہے نا پیسوں کی وجہ سے تو اپنا ہاتھ چھوڑ دیں, اپنے بھائی کے لیے, اپنے قریبی دوست کے لیے, اپنے وینڈر کے لیے, اپنے ملازم کے لیے, تھوڑا سا اپنے حق سے پیچھے ہٹ دیں, ایک قدم ایسے آ جائیں, کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کے پیسے ملٹی پلائی ہو جائیں گے, لوگ آپ کی عزت زیادہ کریں گے. تو سر یہ سب کام کریں, اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ آپ سب جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیاب کرے, اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا آپ ایک بہت اچھے اور گرونڈ بزنس مین کے طور پہ آئیں.